हेलो व्यूअर्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसन्नजीत और आज हम लोग आसूस की एक्सटर्नल स्लिम डीवीडी राइटर की रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। आसूस एक्सटर्नल स्लिम डीवीडी राइटर ये प्रोडक्ट है। अभी इसका जो बाहर में देखिए बहुत सारे पिक्चर्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो पहले हम लोग एक बार चेक करेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें रिटर्न है। फ्रंट साइड में हम लोग एक बार देखते हैं, फ्रंट साइड में एक इसका पिक्चर है जो एक्चुअल में डिज़ाइन कैसा है, और इसमें लेफ्ट साइड में कुछ चीज़ें मेंशन है। पहला जो है देखिए डिक्स इंक्रिप्शन 2, इस डिक्स इंक्रिप्शन 2 क्या है पीछे एक बिल्कुल मेंशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब जब भी कोई डिक्स को ब्रांड करेंगे या राइट करेंगे सेव करने के लिए, तो उस टाइम क्या होगा, आप उसमें पासवर्ड दे सकते हैं, पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जब आप इस डिस्क को रीड करना चाहते हैं तो पासवर्ड आपको चाहिए, बिना पासवर्ड का आप डिस्क को रीड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से आपका फाइल सेव रहेगा। उसके बाद ऑप्शन देखिए नेरो बैकिट अप, ठीक है, इसका भी पीछे मेंशन है, ठीक है। नेरो बैकिट में क्या होता है, ये आपके एंड्रॉइड में ऐप भी आता है, या आपके जरिए आप इस जो राइटर है इस राइटर को बांट कर सकते हैं, जो भी डिस्क है उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। और लास्ट में ऑप्शन है देखिए डायमंड का डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है इसका, जब अनबॉक्सिंग करेंगे हम देखेंगे इसका जो डिज़ाइन है और इसका जो कॉर्नर जो काट है कितना अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए डायमंड कट इसमें लिखा है। और इसमें देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, क्या ये फ्री अनलिमिटेड वेब स्टोरेज फॉर 6 मंथ्स। तो इसमें क्या होगा, आप इस जो भी फाइल इसमें राइट करेंगे या जो भी फाइल आपको चाहिए अप टू 6 मंथ आप क्लाउड स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड, 6 मंथ के बाद आपको ये रिन्यू करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे तीन और चीज़ें मेंशन है। पहला जो है USB 2 है, तो ये जो डीवीडी राइटर है ये आपका साटा एक्सटर्नल जो होता है ये साटा नहीं होता है, ये आपको USB 2 के जरिए यूज़ करना होता है। उसके बाद क्या ऑप्शन है देखिए यहाँ पे 8x है, इसका जो राइटिंग स्पीड है ये 8x है, नॉर्मली साटा में थोड़ा ज़्यादा होता है 12x 14x 16x का होता है, लेकिन USB 2 में मैक्सिमम यही 8x है। उसके बाद देखिए ये एडाप्टर फ्री डिज़ाइन है, इसका मतलब क्या है, इसका जब आप यूज़ करेंगे तो आपको USB से ही आपको इसका जो पावर है पावर मिल जाएगा, आपको दूसरा कोई एडाप्टर लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब चलिए इसका हम अभी अनबॉक्स करेंगे, अनबॉक्स के टाइम में और ज़्यादा इसका जो फीचर्स है वो भी देखेंगे और इसका डिज़ाइन भी देखेंगे। ASUS एक्सटर्नल स्लिम डीवीडी राइटर, चलिए अब इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग के टाइम में इसका जो भी फीचर्स है जो डिवाइस है और इसका सबसे एक्सेसरीज क्या है वो अभी हम लोग चेक करेंगे। इंस्टॉलेशन गाइड है, ये जो आपका फ्री स्टोरेज है जो 6 मंथ के लिए जो मैंने अभी बताया था उसके लिए कोड है, और इसमें वेबसाइट भी मेंशन है कौन सा वेबसाइट में जाकर आप इसको एक्टिवेट करना है, और मैक के साथ अगर यूज़ करना है तो क्या गाइडलाइंस है वो भी यहाँ पे मेंशन है। इसके साथ एक सॉफ्टवेयर और ड्राइवर का CD भी दिया गया है। एक एक्सटेंशन कोड है, देखिए ये आपका मिनी USB पोर्ट है और ये नॉर्मल USB पोर्ट है, नॉर्मल USB पोर्ट को आप कंप्यूटर या लैपटॉप में लगा सकते हैं, और जो मिनी USB पोर्ट है ये डिवाइस के लिए है, डिवाइस खोलने का टाइम में आप देख सकते हैं। ये देखिए देखिए कितना बेहतरीन डिज़ाइन है इसका, रियल में डायमंड का डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं खुद ग्लॉजी फिनिश है इसका। ये फ्रंट में 3 LED है जो आपका नोटिफिकेशन के लिए ऑन है, और जो भी अगर एरर है तो आप इसमें देख सकते हैं, और ये इसका बटन है ये डिस्क और ट्रे को ऑपरेट करने के लिए है, और जैसे मेंशन था बाहर में बॉक्स के बाहर में इसको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत है नहीं, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर अडोप्टर का कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है जो है आपका मिनी USB पोर्ट है, तो मिनी USB पोर्ट यहाँ पर दिया गया है। चलिए आप इसको हम लोग अभी ऑन करके इसका जो कैसे डिक्स बर्न होता है, जो भी इसका सॉफ्टवेयर है और इसको जो ट्रे है बाकी सब कुछ है हम वो ऑन करने के बाद देखेंगे। ASUS एक्सटर्नल स्लिम डीवीडी राइटर, चलिए अब इसको ऑन करके देखेंगे। इसको आप लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका USB केबल हमने खोल लिया पैकेट से,
इसके साथ देखिए एक आपका आया मिनी यूएसबी, ठीक है, और दो आपका नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। तो जैसे आपने बता रहा था इसका कोई एक्सटर्नल पावर अडेप्टर है नहीं, ठीक है, तो इसलिए इसको आपको दो यूएसबी पोर्ट जो है दो यूएसबी पोर्ट एक साथ लगाना होगा, तब जाके इसका जो पावर रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होगा, ठीक है। चलिए इसके पीछे देखिए एक मिनी यूएसबी पोर्ट है, देखें कितना स्लिम है ये, इसमें तीन एलईडी है, इसका हो गया बटन और ट्रे। अगर अगर आपका कोई लॉक हो गया या जैम हो गया तो उसके लिए एक हार्ड रिसेट स्विच भी है, ये हार्ड रिसेट स्विच प्रेस करने के टाइम में भी ये आपका ट्रे आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल इजी है ये, ठीक है। इस प्रोडक्ट के बेस्ट डील के लिए नीचे दिए लिंक पे विजिट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए।